हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, सितंबर मंथ खत्म हो चुका है और अक्टूबर मंथ शुरू हो गया है। और अक्टूबर में दोस्तों एक ऐसा बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जो कि फ्लावरिंग करना शुरू करता है, और उस प्लांट का नाम दोस्तों गुलदौदी है। गुलदौदी को क्रायसैंथेमम नाम से भी जाना जाता है, जो कि शीत ऋतु का बहुत ही सुंदर और लोकप्रिय फूल है। इसलिए ये शीत ऋतु की रानी भी कहलाती है। इसको ग्लोरी ऑफ ईस्ट या माम नाम से भी जाना जाता है। इस प्लांट की कई सारी किस्में आती हैं जिनमें फ्लावरिंग अलग अलग समय पर आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो फ्लावरिंग है वो शरद ऋतु से ही शुरू होगी। इसमें देसी और हाइब्रिड दोनों तरह की जो ब्रीड्स हैं वो आती हैं। देसी जो प्लांट होता है उनमें फूल और पत्तों की जो रेशो है वो बराबर होती है, और जो हाइब्रिड रहते हैं उनमें पत्तों से ज़्यादा फूल आते हैं। गुलदौदी में अक्टूबर मंथ से फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है और मार्च अप्रैल तक ये फ्लावरिंग करता रहता है। गुलदौदी में वाइट, येलो, पिंक और भी कई तरह के जो फूल हैं दोस्तों वो आते हैं। कोई सा भी प्लांट आप लगा लीजिए, सभी में बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग होती है, जो कि कहीं कहीं इस मंथ आपको देखने को भी मिल जाएगी। ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा गार्डन फूलों से भर उठे, तो अभी जितना जल्दी हो सकता है गुलदौदी को अपने गार्डन में ऐड कर लो। आप अभी भी इसकी जो कटिंग है वो लगा सकते हैं, कटिंग के द्वारा इसे ग्रो कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो नर्सरी से भी इसकी सैम्पलिंग लाकर घर में इसके जो प्लांट हैं वो तैयार कर सकते हैं। हमने भी एक मंथ पहले इन प्लांट की कुछ कटिंग लगाई थी, जो कि आज रिपोर्टिंग के लायक हो चुकी हैं। आज हम इन सभी प्लांट की रिपोर्टिंग करेंगे। रिपोर्टिंग के लिए किस तरह की हमने सॉइल मीडिया का यूज़ किया और किस तरह के पॉट में हमने इनको लगाया, पूरी जानकारी वीडियो में आगे मिलेगी। तो इसके लिए आप वीडियो को एक बार लास्ट तक पूरा देखना, और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दोस्तों ऑल पे सेट कर लेना, जिससे होगा ये कि जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत आप लोगों को मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जो प्लांट आप देख रहे हैं, एक मंथ पहले हमने इनकी कटिंग लगाई थी, और आज एक मंथ के बाद दोस्तों ये इतने बड़े हो चुके हैं कि अब इनको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी हमने इनकी रिपोर्टिंग नहीं की तो इनमें फ्लावरिंग थोड़ा लेट से होगी, जो कि दोस्तों हम नहीं चाहते। आज की वीडियो में हम इन सभी प्लांट को रिपोर्ट कर रहे हैं। रिपोर्ट के लिए दोस्तों किस तरह की सॉइल हमें चाहिए, इसकी भी आगे हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं पॉट के साइज़ की। इन प्लांट को लगाने के लिए आप मिनिमम 8 इंच के पॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉट आप कोई सा भी ले सकते हैं, चाहे वो प्लास्टिक के हो, मिट्टी के हो या फिर सेरेमिक के हो। सभी पॉट में ये प्लांट अच्छी तरह से ग्रो हो जाते हैं। हमारे पास अभी 8 इंच का पॉट नहीं है, तो हम इन प्लांट्स को 6 इंच के पॉट में इसमें लगाने जा रहे हैं। ये पॉट हमने लिया है, इस पॉट में देखिए कितने सारे ड्रेनेज होल हैं। जितने ज़्यादा ड्रेनेज होल पॉट में रहेंगे दोस्तों, उतना अच्छा हमारे प्लांट ग्रोथ करेंगे, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहने से पॉट में जो एयर सर्कुलेशन है वो बना रहता है, और जो एक्स्ट्रा पानी रहता है, एक्सेस पानी का होता है पॉट में, वो भी आसानी से बाहर निकल जाता है। तो पॉट तो हमने ले लिया है, अब हम इनके होल को कवर करेंगे। इसके लिए आपके पास अगर जालीदार कपड़ा है तो आप उसका उपयोग करिए, या फिर आप किसी कागज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। के बाद जो भी चीज़ है जिससे जो ड्रेनेज होल हैं वो कवर हो सकते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास नारियल के ये रेशे हैं, इनसे हम अपने जो पॉट के ड्रेनेज होल हैं उनको कवर करेंगे। और अब हम होल को कवर करने के बाद इसमें सॉइल डालेंगे, लेकिन पहले अब बात कर लेते हैं सॉइल की। सॉइल किस तरह की हम लेते हैं, हम पहले ही दोस्तों जो एक वेल ड्रेन सॉइल है वो बना करके रख लेते हैं। जो सॉइल हम बनाते हैं उसमें 40% भाग नॉर्मल जो गार्डन सॉइल होती है उसका होता है, बाकी 30% उसमें कंपोस्ट रहता है, 20% दोस्तों सैंड रहता है, और बाकी का जो 10% बचता है उसमें राइस हस्क का उपयोग करते हैं। इसके बाद दोस्तों दो चीज़ें इसमें हम और ऐड करते हैं। सॉइल के हिसाब से हम इसमें नीम खली ऐड करते हैं, और थोड़ी सी मात्रा दोस्तों हम लकड़ी की राख होती है उसकी भी इसमें डालते हैं। जो राख आपने डालनी है दोस्तों बहुत कम मात्रा में डालनी है। राख में कैल्शियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और जो सल्फर जैसे गुण हैं वो पाए जाते हैं,
जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इस तरह का जो सॉइल मिश्रण है वो हमारा बना रहता है। लेकिन जब हम दोस्तों इस मिश्रण में अपने प्लांट लगाने लगते हैं तो उसमें दो चीज़ें इसमें हम और ऐड करते हैं। जैसा कि हमने अभी गुलदोधी के प्लांट लगाने हैं तो इनमें थोड़े से दाने DAP के डाले हैं 1 चम्मच के करीब, और 2 चम्मच इसमें हमने डाले हैं सीबीट्स ग्रैनुल्स के, और 1 चम्मच हमने इसमें एप्सम सॉल्ट डाला है। इस तरह से हमारा ये सॉइल बनकर रेडी है। अब हम इस मिश्रण में अपने प्लांट को लगाने वाले हैं। सबसे पहले हम अपने सभी पॉट में जो सॉइल मीडिया है वो भर लेते हैं, और उसके बाद बारी बारी से इन सभी प्लांट को इन पॉट में लगा देंगे 1 बाय 1 करके। तो अब हम यहाँ पर जो हमारे पॉट हैं उनमें सबसे पहले सॉइल को भर लेंगे। और देखिए यहाँ पर हमने सभी में सॉइल भर ली है, और सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए एक गिलास में प्लांट लगा हुआ है और अकेला प्लांट लगा है। इसकी ग्रोथ देखिए कैसी हो रही है, बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है इसकी। आप रूट्स भी देख सकते हैं, बहुत बढ़िया रूट इसकी आई हैं। तो इस प्लांट को दोस्तों हम इस पॉट में लगाएंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसमें एक गड्ढा कर लेते हैं ताकि ये जो प्लांट है वो आसानी से इस पॉट में एडजस्ट हो जाए। तो ये देखिए दोस्तों अब हम इसको इस पॉट में लगा देंगे इस प्लांट को कुछ इस तरह से देखिए, और फिर इसको मिट्टी से कवर कर देंगे अच्छी तरह से। थोड़ा सा हल्के हाथों से दोस्तों इसकी जो सॉइल है उसको हम दबा देंगे ताकि इसमें कोई एयर ना रहे। तो इस प्रकार हमारा पहला प्लांट लग करके तैयार है। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ से हम एक कटिंग लेंगे और उस कटिंग को भी हम फिर पॉट में लगा लेते हैं। देखिए ये कटिंग हमने यहाँ से निकाल ली है, और इस कटिंग में देखिए दोस्तों आपको कुछ सूखे हुए पत्ते दिखाई दे रहे हैं जिनको आपने रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद ही दोस्तों आपने इस प्लांट को लगाना है। आप देख सकते हैं इस प्लांट की रूट कितनी ज़बरदस्त है। अगर रूट दोस्तों इसकी अच्छी रहेंगी तभी प्लांट ग्रोथ कर पाएगा, अगर रूट अच्छी नहीं होगी तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो नहीं होगी। तो इस प्लांट को भी दोस्तों हम अभी छोटे पॉट में लगा रहे हैं क्योंकि ये प्लांट भी अभी छोटा है। तो ये देखिए दोस्तों इस प्लांट को भी हमने इस पॉट में अभी लगा लिया है। अगला एक और प्लांट देखिए दोस्तों, ये भी सिंगल प्लांट इस पॉलीबैग के अंदर लगा है और इसकी भी ग्रोथ जबरदस्त हुई है। तो जो सिंगल दोस्तों कटिंग हमने लगाई थी उन सभी की जो ग्रोथ है बहुत बढ़िया हुई, लेकिन जो इकट्ठी कटिंग लगाई है उनकी ग्रोथ थोड़ी सी कम है। तो ये प्लांट भी बहुत बढ़िया है, इसको भी हम जल्दी से लगा करके आपको दिखाते हैं। देखिए इस प्लांट को भी हमने पॉट में लगा दिया है और इसके आसपास थोड़ी सी और मिट्टी डाल करके इस प्लांट को अच्छी तरह से इस पॉट में सेट कर लिया है। इस प्रकार हमारा अब ये प्लांट भी लगकर तैयार है। तो इसी तरह आप देख सकते हैं जितने भी प्लांट थे हमारे पास उन सभी को हमने लगा दिया है। इसमें से दोस्तों कुछ छोटे छोटे प्लांट हैं जिनको भी हमने रिपोर्ट कर लिया है, लेकिन जब ये बड़े होंगे तो उनको हम कुछ टाइम के बाद फिर से रिपोर्ट करेंगे किसी बड़े पॉट में। हमने यहाँ पर इन प्लांट को तो रिपोर्ट कर लिया। रिपोर्ट करने के बाद देखिए दोस्तों अब हम इनमें पानी डालेंगे, और पानी आपने इतना डालना है जिससे कि दोस्तों ये जो प्लांट हैं वो अपने जो रूट्स हैं उनको मिट्टी में एडजस्ट कर लें। ज़्यादा पानी अभी हम इनमें नहीं डालेंगे। पानी दोस्तों इसमें हम अगले दिन देंगे, अगले दिन इतना पानी देंगे कि ऊपर से पानी डालेंगे दोस्तों और जो इसके ड्रेनेज सिस्टम है उसमें से पानी निकल जाए, इतना पानी हम अगले दिन इसमें डालेंगे। और अभी देखिए हमने इसमें पानी आज दे दिया है, और पानी देने के बाद दोस्तों अब हम इनको रख देंगे ऐसी जगह पर जहाँ दिन में 3-4 घंटे की हल्की हल्की धूप जो है वो इन प्लांट को मिल सके, और 2 या 3 दिन के बाद दोस्तों फिर हम इन्हें ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहाँ पूरे दिन की हल्की हल्की जो धूप है वो इन प्लांट्स को मिल सके। तो इस तरह से हमारे जो प्लांट हैं वो आप देख सकते हैं लग चुके हैं, सभी के सभी जो कटिंग हमने लगाई थी वो लग कर अब पॉट में तैयार है। अब हम दोस्तों इंतज़ार करेंगे उस टाइम का जब इनमें फ्लावरिंग होगी, और जब इनमें दोस्तों फ्लावरिंग होगी तो उस अपडेट को भी आप दोस्तों के साथ दोस्तों हम शेयर करेंगे। तो अगर आप लोगों को भी गुलदोधी के फूल पसंद आते हैं और आप इन्हें लगाना चाहते हैं तो इनको लगाने का दोस्तों ये बेस्ट टाइम है, अक्टूबर में आप इनको जल्दी से लगा लीजिए, क्योंकि अगर आप अक्टूबर मंथ में इन प्लांट को लगाओगे दोस्तों तो इनमें जो पिंचिंग का समय है इन प्लांट्स को वो मिल जाएगा, और जितनी ज़्यादा पिंचिंग आप अक्टूबर मंथ में इन प्लांट में कर पाओगे उतना ज़्यादा ये प्लांट नए नए जो ब्रांचेज है वो निकालेगा। जितनी दोस्तों ज़्यादा ब्रांचिंग प्लांट में आएंगी
उतना ज़्यादा कलियाँ भी आपको प्लांट में देखने को मिलेंगी। क्योंकि दोस्तों पिंचिंग करने से ये जो प्लांट है वो और नई नई जो ब्रांचेज हैं वो निकालेंगे। ज़्यादा ब्रांचेज दोस्तों रहेंगी तो प्लांट में ज़्यादा कलियाँ बनेंगी, और अगर ज़्यादा कलियाँ बनेंगी दोस्तों तो उसमें फ्लावरिंग भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये काम आपको करते रहना है। जब आपका प्लांट 6-7 इंच का हो जाए तब आप प्लांट की पिंचिंग करना शुरू कर दीजिए, और तब तक पिंचिंग करते रहिए जब तक आपका प्लांट बूसी ना हो जाए। अगर आपका प्लांट अभी छोटा है और उसमें कलियाँ बनना स्टार्ट हो गई हैं तो आप अभी उन कलियों को हटा सकते हैं। तब तक आप उन कलियों को हटाते रहिए दोस्तों जब तक आपका प्लांट मच्योर ना हो जाए, और जब आपको लगे कि अब ये जो प्लांट है हमारा उस लायक हो गया है कि ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग कर सकते हैं, तब आप उनकी जो कलियां हैं वो हटाना बंद कर दीजिए। तो ये सब काम दोस्तों अगर आप अपने प्लांट में अभी अक्टूबर के इस मंथ में कर लेते हैं तो आपका जो प्लांट है उसमें फूलों की कमी नहीं रहेगी, आपका प्लांट फूलों से भरा रहेगा और लंबे टाइम के लिए भी ये जो प्लांट हैं आपके वो फ्लावरिंग करते रहेंगे। तो आज की वीडियो दोस्तों बस यहीं तक थी। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें एक कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की किसी और नई वीडियो में आप सभी साथियों के साथ दोबारा फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा, नमस्कार।